हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। होली की ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। और आज हम बनाएंगे गुजिया। जी हाँ दोस्तों, गुजिया बनाएंगे और वो भी कुछ नए अंदाज में। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हम जो गुजिया बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी और डिजाइनदार गुजिया है। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो आप देख सकते हैं हमने लिया हुआ है मैदा, और अब हम इसमें क्या डालेंगे? मोयन। तो अब हम इसमें ये एक चम्मच इस तरीके से मोयन डाल देंगे। आप मोयन उतना डालिए कि जिससे कि अच्छे से बाइंड हो सके। तो ये देखिए, हमने दो चम्मच डाल दिया मोयन, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अगर आपको मोयन कम लग रहा है, यानी कि घी अगर आपको कम लग रहा है, तो आप और ऐड कर सकते हैं। कम से कम हमें इतना घी लेना है कि ये बाइंड हो सके। बट अभी भी देखिए बाइंड नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। और ये देखिए, अब ये बाइंड होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, तो अब हमें इसमें डाल देना है पानी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए, और जिससे कि ये एक स्मूथ सा आटा रेडी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें आटा लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा रेडी हो गया है, और अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो हम इस तरीके से प्लेट से इसको कवर कर देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये रेस्ट होने के लिए जा रहा है, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। के लिए हमने इस तरीके से ये खोया ले लिया है, और इसे हल्का सा हमें भून लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन पूरा निकल जाए। क्योंकि खोया को अगर आप भूनेंगे नहीं फ्रेंड्स, तो ये आपके पेट में जाकर के दिक्कत दे सकता है। तो हल्का सा भून लेना अच्छा रहता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये गरी का बुरादा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गरी का बुरादा डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। जो भी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको कौन से ऐड करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम ही डालें, आप किशमिश भी डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ये बादाम। अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए ये काजू, थोड़ी सी ये किशमिश, और इन सबको देखिए अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। खोया भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम इस स्टफिंग को ठंडा होने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद जैसी स्टफिंग ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो चलिए हम गैस बंद कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी स्टफिंग हल्की सी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये शुगर। ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला देना है। पिसी हुई चीनी मिलाई है। जब भी गुजिया बनाएं, पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें। अगर आप पिसी हुई चीनी मार्केट से नहीं मंगा सकते हैं, तो आप घर में उसको पीस लें। और ये देखिए, ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है, और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे हम। अब हम इसे इस तरीके से इसे हम बेलेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है, और अब हमें क्या करना है, इसमें डालनी है स्टफिंग। मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये बतख बनाऊंगी मैं। और अब हमें ये हमने भर दिया है, और अब हमें यहाँ पर इस तरीके से ये घोल जो हमने रेडी किया है, इसे हमें लगा देना है।
अच्छे से चिपकाएंगे। ये गुजिया इस बार बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है जो हम बना रहे हैं, और आप लोग भी इसे जरूर बनाइए, अपने बच्चों को खुश करिए। और इस तरीके से हम इसे प्रेस कर देंगे। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। आप इस तरीके से इसे काट लीजिए। तो ये आपकी गुजिया एक रेडी हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है मैं बताती हूँ। ये एक डिजाइन सी बन गई। ठीक है, ये एक सुंदर सी डिजाइन बन गई। ठीक है, और अब हमें क्या करना है कि इसके बैक साइड पे हमको इस तरीके से यूं, ये देखिए ये बन गया इसका बॉडी पार्ट। मैंने ये पीछे से उठाया और इधर चिपका दिया कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप ये आगे से देखिए, ये बन गया ना बॉडी पार्ट। और अब हमें क्या करना है, इसकी बनानी है मुंडी, क्योंकि बतख बिना मुंडी के तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मुंडी बनाने के लिए हमें वापस इसे इस तरीके से थोड़ा सा बेलना पड़ेगा। इस तरीके की बतख अगर आप, यानी कि हमेशा बच्चे गुजिया तो खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बतख बना के जब आप गुजिया खिलाएंगे ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अब इन्हें कुछ नहीं करना है, जैसे हम मोमोज भरते हैं ना, बस वैसे ही इन्हें हमें इस तरीके से भर देना है। और उसके बाद इसको इस तरीके से धीरे 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 धीरे, ये देखिए आ गया ना मुंडी का शेप। ये देखिए ये मुंडी बन गई, पास से मैं आपको दिखा रही हूं। तो अब हमें क्या करना है वापस से, अब हमें क्या करना है, ये टूथपिक लेनी है, इसे इस तरीके से तोड़ लेना है। तो ये मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब आप सोचेंगे कि क्या करेंगे, तो तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, मुंडी को इसमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से टूथपिक घोल में चिपकाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे होल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद बैक साइड पे हम यही करेंगे, इस जगह पर होल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने चिपका दिया, और अब हमें यहां पर इसको इस तरीके से रख करके और ऐसे लगा देना है। बन गई ना हमारी सुंदर सी बतख, देखिए। और अब हमें क्या करना है, इसकी बनानी है आंखें। आंखें बिना तो ये अंधी लगेगी, है ना। तो बच्चे कहेंगे कि बिना आंख वाली बतख तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमें यहां पर इस तरीके से घोल लगा देना है, और इधर भी इसको घोल लगा करके इनकी आंखों को चिपकाना है। तो ये जो मैदे का घोल होता है ये बड़े काम का होता है, क्योंकि ये चिपकाने के काम आता है। तो इस तरीके से हमने इसको आंखें दे दी, और ये देखिए ये हमारी बतख देखने लगी, कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए इसे भी हम रख देते हैं, और इसी तरीके से हम सारी बतख रेडी कर लेते हैं। सारी बतख हमारी रेडी हो गई हैं, और अब हम इन्हें करते हैं डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए अब हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम एक एक करके इस तरीके से हम बतख को रख देंगे। ऐसा लग रहा है ना कि ये तैर रही हैं, और कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपस में बातें कर रही हैं। तो इनके ऊपर हमें इस तरीके से ऑयल डालना है, जिससे कि ऊपर से भी पकें। हम इन्हें सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बतख वाली गुजिया हमारी रेडी हो गई हैं, और ये सब अपनी अपनी एक कहानी बता रही हैं। कोई देखिए ये कोने में बैठे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ये कह रही है चलो हटो, मुझे रेस में आगे जाना है। तो दूसरा कह रहा है
मैं भी कुछ सोच ही रहा हूं तो ये बेचारा बच्चा ये कह रहा मुझे फ्राई नहीं होना है। बट क्या करें, बच्चों के लिए तो बतख की गुजिया बनाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मुझे इन बेचारों को फ्राई करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बनाए हुए ये बतख की गुजिया पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।